अब हम आगे कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 में ही क्वेश्चन नंबर 4। इफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू रूट ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, प्रूव दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ये प्रूव करना है हमें। तो आयटा नज़र नहीं आना चाहिए, तो आयटा की कोई भी टर्म है उसको ख़त्म करने के लिए उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो आयटा ख़त्म हो जाता है। तो हम इसका क्या करें, जो है ये इसमें इक्वेशन वन का हम क्या करें, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, इसका हम दोनों तरफ कंजुगेट लेते हैं। तो अगर स्क्वायर रूट हटाना चाहें तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स पहले। क्या बनेगा, एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट ए प्लस आइटा बी अपॉन सी प्लस आइटा डी का स्क्वेयर। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी अपॉन सी प्लस आइटा डी, क्योंकि स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करें, अभी इसका हम कंजुगेट करते हैं क्योंकि हमें तो आइटा ख़त्म करना है। तो टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, इसका कंजुगेट करेंगे और इसका भी कॉन्जुगेट करेंगे, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं। स्क्वेयर है तो इसके अंदर चला जाएगा क्योंकि दो का प्रोडक्ट होगा और प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट क्या होगा, दोनों का अलग अलग, तो स्क्वेयर के अंदर चला जाएगा कॉन्जुगेट। क्यूब हो चाहे स्क्वेयर हो, कितनी पावर उसके अंदर चला गया है प्रॉपर्टी से, और ये डिवाइड में है दोनों, तो दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट हो जाए। तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई का स्क्वेयर, क्योंकि कंजुगेट करते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये हो गया a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, ये इक्वेशन टू हो गई। फ्रॉम इक्वेशन वन और टू से हम करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड टू, दोनों को मल्टीप्लाइंग कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं, इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी इन टू ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। तो ये सारे का स्क्वेयर हो जाएगा क्योंकि दोनों की पावर सेम है, तो स्क्वेयर के अंदर जाएगा तो एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई और कंप्लीट स्क्वेयर इज इक्वल टू ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, तो आयटा स्क्वेयर डी स्क्वेयर हो गया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस आयटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और कंप्लीट का स्क्वेयर इज इक्वल टू ये आयटा स्क्वेयर होता है माइनस वन, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, और यहाँ भी आयटा स्क्वेयर क्या हो जाएगा माइनस वन, तो ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरीके से है, इफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा
और कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ये प्रूव करने के लिए हम कंजुगेट का यूज करेंगे। तो इसके हम दोनों तरफ कंजुगेट ले लेते हैं। टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन। इक्वेशन वन है उसके दोनों तरफ कंजुगेट लेते हैं। तो कंजुगेट लेंगे तो कंजुगेट का साइन लगा देते हैं और एक्स प्लस आइटा वाई का कंजुगेट। कंजुगेट क्या करता है, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देता है। तो इसका हो जाएगा एक्स माइनस आइटा वाई स्क्वायर के अंदर चला जाएगा कंजुगेट। तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अभी दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं इसको। अब दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड टू, वी गेट, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो देखो दोनों की पावर सेम है तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा और कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, यहाँ भी माइनस वन होगा तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू वन होती है तो वन का स्क्वायर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब इससे आगे है क्वेश्चन नंबर सिक्स में, फाइंड द मॉडुलस, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये है सबसे पहले थ्री आइटा माइनस वन का होल स्क्वायर, इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालेंगे हम। तो इसका मेथड है कम्प्लेक्स फॉर्म में लाए पहले तो हम ए प्लस आइटा बी में और फिर जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आइटा के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर और दोनों का सम करके उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा मॉडुलस। तो इस स्क्वायर को खोलते हैं पहले हम, थ्री आइटा माइनस वन का स्क्वायर है तो नाइन आयोटा स्क्वायर प्लस वन माइनस सिक्स आयोटा, आयोटा होता है आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो माइनस नाइन प्लस वन माइनस सिक्स आयोटा माइनस एट माइनस सिक्स आयोटा। अब इसका मॉडुलस हम कैसे निकालेंगे, मॉडुलस जेड इज इक्वल टू रूट माइनस एट का स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट जो विदाउट आइटा है उसका स्क्वायर और जो आइटा के साथ है उसका स्क्वायर और दोनों के स्क्वायरों का सम करेंगे तो मॉडुलस आ जाएगा। तो ये आ गया 64 प्लस 36 रूट हंड्रेड, और रूट हंड्रेड आ जाएगा 10। तो मॉडुलस जेड आ गया है 10 इस क्वेश्चन का। इसी तरीके से जैसे इसका फोर्थ पार्ट है 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन माइनस 5 माइनस 4 आयोटा, ये कम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, पहले तो इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में लाएंगे ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में। तो
तो माइनस नीचे से हटा लेते हैं, हम ऊपर चला जाएगा माइनस टू प्लस थ्री आयोटा अपॉन फाइव प्लस फोर आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, जो नीचे है उसके बीच में प्लस है, उसके माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड रेशनलाइज करेंगे। ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन टेन प्लस फिफ्टीन आयोटा, और माइनस फोर आयोटा से करेंगे माइनस एट आयोटा, और माइनस ट्वेल्व आयोटा स्क्वेयर अपॉन फाइव का स्क्वेयर माइनस फोर आयोटा स्क्वेयर। तो माइनस टेन प्लस सेवन आयोटा प्लस ट्वेल्व अपॉन 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वेयर। तो ये वैल्यू आ गई माइनस 22 माइनस 7 आयोटा अपॉन 25 प्लस 16। तो जेड आ गया हमारे पास माइनस 22 माइनस 7 आयोटा अपॉन 41। अब हम इसको अलग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे, माइनस 22 अपॉन 41 माइनस 7 अपॉन 41 आयोटा। तो मॉडुलस जेड आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आयटा के साथ जो है उसका स्क्वायर, और दोनों का सम करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 484, और ये होता है 41, और 41 की मल्टीप्लाई करेंगे 1681, और ये 49 अपॉन 1681। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो वैल्यू आ गई रूट 523 अपॉन 1681। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट, ये वन अपॉन वन माइनस टू आयोटा प्लस थ्री अपॉन वन प्लस आयोटा इंटू थ्री प्लस फोर आयोटा अपॉन टू माइनस फोर आयोटा। तो इसको पहले तो हम सिंपलीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे इन दोनों का, वन माइनस टू आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी वन प्लस आयोटा प्लस थ्री इंटू वन माइनस टू आयोटा, और थ्री प्लस फोर आयोटा अपॉन टू माइनस फोर आयोटा। तो इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, वन प्लस आयोटा प्लस थ्री माइनस सिक्स आयोटा अपॉन, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ, वन प्लस आयोटा माइनस टू आयोटा माइनस टू आयोटा स्क्वेयर, सभी की बारी बारी से मल्टीप्लाई होगी, थ्री प्लस फोर आयोटा अपॉन, तो ऊपर वैल्यू आ गई फोर माइनस फाइव आयोटा अपॉन थ्री माइनस आयोटा इंटू थ्री प्लस फोर आयोटा अपॉन टू माइनस फोर आयोटा। अब इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन आयोटा माइनस फिफ्टीन आयोटा माइनस ट्वेंटी आयोटा स्क्वेयर अपॉन सिक्स माइनस ट्वेल्व आयोटा माइनस टू आयोटा प्लस फोर आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर होता है माइनस वन, तो ये वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व थर्टी टू प्लस आयोटा अपॉन टू माइनस फोर्टीन आयोटा। अब इसका हम रेशनलाइज कर लेंगे, टू प्लस फोर आयोटा से फोर्टीन आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे, टू प्लस फोर्टीन आयोटा से, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटी फोर प्लस, तो थर्टी टू से करेंगे, प्लस फोर्टीन आयोटा आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा ये लास्ट वाला, और नीचे फोर माइनस फोर्टीन का स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर, तो इनको ये माइनस फोर्टीन इसमें से करेंगे तो फिफ्टी प्लस फोर हंड्रेड फिफ्टी आयोटा अपॉन फोर प्लस प्लस हो जाएगा ये वन नाइन्टी सिक्स, तो ये आ गया फिफ्टी प्लस फोर हंड्रेड फिफ्टी आयोटा अपॉन टू हंड्रेड। तो जेड आ गया हमारे पास फिफ्टी अपॉन टू हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड फिफ्टी अपॉन टू हंड्रेड आयोटा, तो ये वन बाई फोर आ गया, और ये आ गया नाइन बाई फोर, तो जेड आ गया वन बाई फोर प्लस नाइन बाई फोर आयोटा,
तो मॉडुलस जेड क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो मॉडुलस जेड आ जाएगा स्क्वायर, नीचे 16 आ जाएगा, 1 प्लस 81, ये आ गया √82/16, 2 से कैंसिल हो रहा है ये 41, ये भी हो रहा है 41/8, ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस आयोटा क्यूब माइनस 4 प्लस 3 आयोटा स्क्वेयर प्लस 7 माइनस 9 आयोटा की पावर 4। तो आयोटा क्यूब वो क्या होता है, माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वेयर होता है -1, और आयोटा की पावर 4 होता है 1। तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा -1 -2, तो 1 से 1 कैंसिल, -2 माइनस आयोटा आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वेयर क्या होता है, -1, और आयोटा की 4 क्या होता है, 1। तो इसका कंजुगेट आ जाएगा, जो आयोटा की टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा, -2 प्लस आयोटा, और मॉडुलस क्या होगा, -2 का स्क्वेयर प्लस -1 का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 √5, ये मॉडुलस आ गया इसका। तो इसका हमने मॉडुलस भी निकाल दिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसका कंजुगेट भी निकाल दिया है। कंजुगेट में जो आयोटा है उसका कोफिशेंट, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और मॉडुलस में जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट -2, इमेजनरी पार्ट के आयोटा के साथ -1 मल्टीप्लाई में, तो दोनों के स्क्वायरों का सम करेंगे तो 5 का रूट आ जाएगा। तो ये मॉडुलस आ गया, और ये क्या आ गया, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।